ओम शांति। ओम शांति। अभी बिल्कुल हम सभी साइलेंस में एकदम एक श्रेष्ठ संकल्प के साथ में अपने शांति के वाइब्रेशन हम चारों तरफ फैलाएंगे, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहाँ से आगे भविष्य में बहुत सारी सेवाएं होनी है, और यही श्रेष्ठ संकल्प के साथ, शुभ भावना के साथ कि यहाँ से अनेक आत्माओं की ज्योति जगेगी, अनेक आत्माओं का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए इसी शुभ भावना के साथ हम सब बाबा की याद में खड़े होंगे और पूरे स्थान को, पूरी जगह को, आसपास के भी स्थान को, आसपास की आत्माओं को अपनी शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। कोई भी रहने पर बाबा का कार्य आरंभ होता है तो ये संकल्प करती है। ऐसे तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली इस स्थान पर सभी भाइयों ने बड़ी देर से विश्व की बेहद ही सेवा के लिए स्थान दिया। तो सर्वप्रथम जो भाई बहन पुराने होंगे उन्हें जरूर मालूम होगा, बाबा की तो वैदानी मौलियाँ होती हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। याद आ गई जिसमें बाबा ने विशेष रूप से जो 10 तारीख की कलकत्ता म्यूजियम के लिए बोली में का महावाक्य बोले थे, तो किनको याद किया था? दो प्रकार की आत्मा। एक बाबा ने कहा बहुत पुलिस वालों की सेवा होगी, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस में। आप सबको ये जानकर जो पहली बार एक खुशी होगी, इस स्थान पर सर्वप्रथम हमारे आदरणीय वीरेन भाई साहब इस पहले जोड़ी पोस्ट पर थे, आज बाबा के बहुत स्नेही सहयोगी और ट्रेन में बाबा ने निमित्त बनाया, तो सबसे पहले झंडा भाई साहब के हाथों से हुआ। आपको याद है कि जाने का प्रोग्राम था और आज भी हमने बड़े गर्मी में है, कोई बात नहीं, इसी स्थान पर हमारे सुशील माता भाई सर को कहूँगी कि मैं याद दिला दें, 2000 तालियां बजाइए। सबको हमारी धानों का है, मतलब पूरा नाम अरुणा धानों का, क्योंकि इन्होंने भी बहुत स्नेह से हमें उमंग उत्साह दिया ये कार्य करने में। मेरा भाई साहब से तो पूरा ही सहयोग है, और इन्होंने सेवा किसकी करी उसके लिए सब क्या बना दिए, क्वार्टर्स बना दिए, कोठियाँ बना ली, वो आत्मा शांति है नहीं, ठीक है ना भाई सब? तो भी आज शांति की सबको जरूरत है। तो ये तो कार्य बाबा का है, ईश्वर का है, भगवान का। तो भगवान शब्द सुनते हैं ना तो देखो उसमें सब प्रकृति के तत्व, वैसे क्या भूमि, जैसे गगन के नीचे बैठे हो, भूमि पे खड़े हो, वह मतलब वायु चल रही है ना, हमारा गर्मी नहीं लग रही है, और आकाश ऐसे नील पानी भी सब जगह सही। तो ऐसे भगवान ने जो पांचों प्रकृति के तत्व के अंदर ये पवित्र स्थान बनाने का प्रेरणा दी, और आप सब भाई बहनों सभी ने बहुत दिल से, कितना भी समय ऐसा 2 साल का चला, लेकिन मैं उन सब भाई बहनों को बहुत बहुत बाबा की तरफ से, दीदीदारियों की तरफ से, जिन्होंने अथक मेहनत से दिल व जान से हमने सेवा की और ये वैल्यू एजुकेशन बोलने का नक्शा तैयार कर दिया, जिसमें सबको एजुकेशन तो मिलती है लेकिन शिव बाबा का ज्ञान विज्ञान हुआ, ज्ञान योग की शिक्षा, हेल्थ और वेल्थ के लिए कैसे अपने तन मन को सब ठीक रखें। तो आप सभी उस स्थान पर आज शिव बाबा का झंडा लहराने आए, तो दिल से सबको बहुत मुबारक। ओम शांति। आरंभ मैंने तो सभी की तारीफ करते रहती है कि सबने यहाँ बहुत योगदान दिया है, इसमें तो शक नहीं है, सभी ने बहुत योगदान दिया है। और आनंद बहन जी की भी बड़ी विशेषता है कि वो सभी की योग्यताओं को इस्तेमाल करते रहती है, जिस तरह से भी जिसमें जितना है जैसे है। आपने जो है हम लोगों को सेवा का मौका, मतलब मुझे सेवा लगता था कि हम कुछ करते नहीं है, पर आनंद बहन जी ने बहुत मौके दिए, बहुत तरह से जो भी योग्यता थी, जो भी संभव हमारे लिए हम लोग कर पाए, और इसके लिए सारा श्रेय जो है आनंद बहन जी को जाता है।
बाबा को चाहते हैं। और आज ये हमने बहुत सारी मुरलियों में सुना है कि जब जो बाबा की प्रतिष्ठा होगी वो ईस्ट से होगी, पूर्व से होगी। तो पूर्व में बंगाल भी है, बंगाल में कलकत्ता है। तो आज मुझे ये संकल्प आ रहा था कि जो ये रिट्रीट सेंटर बन रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण योग होगा, उसके अंदर जब प्रतिष्ठा होगी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और जिसको कि हम सब लोग प्यार से सब करना। तो इसी संकल्प को रखते हुए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हम इतना इसको बना पाए हैं और आगे बन जाएगा जल्दी ही, और ये जिस उद्देश्य से बना रहे हैं वो पूर्ण हो। ओम शांति। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं शिवरात्रि मनाने के लिए और शिव बाबा का ध्यान करने के लिए। ये सेंटर इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है, देख करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मेरे स्वर्गीय पिताजी का भी एक योगदान रहा है। उन्होंने ही मेरी बहन के कहने पर जगह की व्यवस्था करवाई और आप लोगों ने फिर इसको आगे बढ़ाया, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग सब इसको करें, और जब भी जो भी सेवा का मौका आप लोग देते हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ। और प्यारे ऋषि बाबा का आह्वान करते हैं। ऋषि बाबा का प्यारा नंबर ऐसे यही अनुरोध करूंगी। अभी बाबा थोड़े दिन पहले एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चों संपूर्ण गुण मूर्त बनना है, संपूर्ण तो हमें क्या करना है, गुणवान बनना है, बाबा के 36 गुण, आज्ञाकारी भी बनना है, नम्र भी बनना है, दृढ़ता भी धारण करनी है, संतुष्ट भी रहना है, ईमानदार भी रहना है, परोपकारी भी बनना है। तो गुणों को दूसरों को गुणों का दान देना है और अवगुण नहीं लेना है। और आज जब गुणों का दान दोगे तो सामने वाला भी गुणवान बन जाएगा। बस तू है मेरे पास और मैं तेरे पास, तेरी नगरी में आते सुखद अभी तक तो हम भक्ति में क्या कहते थे, शिव बाबा की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में दूध डालो, दही डालो, अक्षत डालो, सब डालते थे। लेकिन शिव बाबा ने ये सारे सिंबल क्या बताए हम लोग को, दीपक जलाना मीन्स आत्मा की ज्योति जलाना, फूल चढ़ाना मीन्स दिव्य गुणों की खुशबू फैलाना। तो ये सारे सिंबल फॉर्म जो भी हमने भक्ति में किए यहाँ पे आके जाना। अभी तक अंधविश्वास में हम लोग की जिंदगी चल रही थी कि ये नहीं करेंगे तो भगवान डांटेगा, भगवान दंड देगा, भगवान हमारा कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन क्या परमात्मा हम बच्चों के से कभी नाराज हो सकते हैं? ये सारा भी हमने यहाँ पे आके ही जाना कि शिव बाबा हम लोग को कितना प्यार करते हैं। लेकिन दुनिया ये बातें नहीं जानती क्योंकि वो दिखाई नहीं देता,
वो तो ब्रह्मा बाबा को गुरु मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर जो कार्य कर रहे हैं हम बच्चे जान गए, तो हम कितने असाधारण बच्चे हैं, इस दुनिया के विशेष बच्चे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना। मानते हो सबको कि हम विशेष बच्चे हैं? तो कभी अपने ये निगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग की आदत क्या है, मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं क्या क्या भक्ति में हमने गाया और अपने आप को नीचे गिराया, लेकिन अब भगवान कहते हैं तुम मेरे महान बच्चे, तुम कितने विशेष बच्चे, तुमने ही तो सतयुग से कलयुग बनाया, तो तुम्हारे अंदर वो विशेषता भी है कि कलयुग से तुम सतयुग बना सकते हो। तो अभी हमको भगवान की प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने क्या किया, ये रिट्रीट सेंटर यहाँ पे स्थापन किया। क्यों? क्योंकि यहीं से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। लेकिन प्रत्यक्षता मतलब क्या, हमारे चेहरे से, चरण से, व्यवहार से लोगों को पता चलेगा कि इनों को पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं शिव बाबा निराकार वो धरती पर आकर हम बच्चों को पढ़ा रहा है। ये मुरली किसकी है? ब्रह्मा बाबा की नहीं है, स्वयं शिव बाबा आकर उनके तल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। मैं तो इतना कुछ बोल ही नहीं सकता जितना आप लोगों के यहाँ के जो संतोष ने और बाकी लोगों ने जो कहा, लेकिन ये जरूर है कि इस दुनिया में अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें और किसी का बुरा ना चाहें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें। अगर हम लोग इतना भी कर लें तो फिर तो कोई भी हमें शिव बाबा से मिलने से रोक नहीं सकता। मैं तो यही इतना सही समझता हूँ और इसी को मानने की कोशिश हम सब करें। ओम शांति। भाई साहब ने दो शब्दों में जो शिव बाबा क्या कहते हैं, कर्म योगी का योग्य कर्म और क्या कर्म, सेवा करनी चाहिए। भाई संतोष मैंने कहा वंशा सेवा भी कब होगी, जब मन साफ होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और वही हम सभी लक्ष्य देकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसी लक्ष्य को लेकर बाबा इतना बड़ा स्थान आप सबके लिए बना रहे हैं। आने वाला समय कैसा होगा? अच्छा होगा ना, सत्य रहेगा। ये उससे पहले क्या आएगा, थोड़ा सा पेपर आएंगे, विवरण आएंगे, बाबा ने क्या साक्षात्कार कराए, हलचल होंगी, लेकिन ये भवन क्या होगा, आप सबके सेफ्टी के साथ, क्योंकि हमने बाबा की बहुत प्रतियाँ सुनी हैं, डायरेक्ट भी सुना है। ये ऐसा समय आने वाला है जो बाबा के बच्चे और जो योगी आत्मा है, चाहे संसार की कोई भी होगी, उनके लिए आश्रम के स्थान, दर्शन के स्थान बनेंगे। ओम शांति। आप सभी को आज ये जो है हम यहाँ पर शिव जयंती मना रहे हैं, इसकी मुबारकबाद। बाबा ने आज सवेरे मुरली में ही बताया कि हम जो शिव जयंती मना रहे हैं और वहाँ पर शिवरात्रि मनाते हैं भक्ति में, तो यही फर्क है कि वो शिवरात्रि है और ये शिव जयंती है। और दूसरा उन्होंने मनाने का फर्क बताया सवेरे, आप लोगों ने नोट किया होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर हम जो है शिवलिंग के साथ ही उनकी जो प्रतिमा है उसके साथ में मनाते हैं और यहाँ पर हम बाबा के साथ मनाते हैं। हम बच्चे हैं बाबा के, जो कि बाबा के साथ जो है शिव जयंती मनाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे बड़ा इंस्पायर कर रही है सवेरे से। और सेकंड बाबा ने तो ये कहा ही है कि आज उनकी जयंती है तो हम बच्चों की भी है, तो ये कितनी बड़ी बात। बाबा ने देश विदेश में बाबा का जितना सर्विस सेंटर्स है देखने का थोड़ा मौका दिए थे, बहुत बहुत आभारी है। तो हम लोग का एक संकल्प उठा था कि एक रिट्रीट सेंटर होना चाहिए। आज याद आ रहा है रमेश भाई से कितना बातचीत हुए, और सबसे पहले हम लोग का मेन ढूंढने का था ये अच्छा डिज़ाइन, तो बाबा ने भी उसको हाजिर कर दिया। और देखते देखते देखिए 2012 से हम लोग लगे हुए थे, 2012 से, हाँ, तो आहिस्ते आहिस्ते 2018 में जंगी नदी आकर के भूमि पूजन करके गए,
फिर भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी हमारे असीम भाई और रंजित भाई का मदद से इतना जल्दी ये बन गया है। और आशा है, उस टाइम पे तो इतना कॉटेज भी नहीं थे, वार्डन का भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग को अच्छा लगता था। वार्डन का जो डिज़ाइन है ये भी जगह पर्टिकुलरली, तो देखिए उसी का बराबर करके बाबा ने भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डिज़ाइन बन चुके हैं, और आदमी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही होगा यहाँ से जो निकलेंगे। यही आशा है, आप लोग हमेशा जुटे रहिए, बाबा को बिल्कुल छोड़िए मत। ओम शांति। तालियां तो बजाइए कम से कम। दिल से जोर जोर से और अपने अपने स्थान पर बैठ के कैंडल लाइटिंग कीजिए और अपने अपने कैंडल को हिलाइए। बहुत ही सुंदर सुख ही सुख कर कर शुभ संकल्पों के दीप जलाए। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग भाई हैं और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक दिल से बधाई देती हूँ। जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे, हम शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, नवरात्रे सब मनाते आ रहे थे, पर जब अब हम ज्ञान में आए हैं तो एक अजीब ही किस्म के आनंद का अनुभव होता है कि आज हम परमात्मा के अवतरण को मना रहे हैं, कि परमात्मा खुद धरती पर आ गए हैं। और ये जो हमारा अभी ये सेंटर बन रहा है, यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई और नहीं, परमात्मा खुद होंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मेरे मन में इस टाइम इसके लिए यही संकल्प आ रहे हैं कि ये जो सेंटर है, यहाँ से अनेकों अनेक जितनी शायद हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतनी आत्माओं को यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा और सुख शांति ये सब उन्हें मिलेगा और चारों तरफ विश्व में वो उसे फैलाएंगे। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान हो। आप लोग साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा।
जी थोड़ा जोर से कहो तो डायमंड हॉल तक चली जाए आपकी आवाज, तालियों की आवाज से गालियों तक पहुंचे। ये दीपक ने बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है कि यदि जीवन में एक दीपक आशा का जगा रहे तो उस आशा के दीपक से आप लाखों तो क्या करोड़ों दीपकों को अपने उत्साह से उमंग से आगे के लिए रोशनी। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान।